कर रहा है, कहीं ऋषि मिले लेकिन जो योग के समाधान न कर पाए तो सबके बीच में सुखदेव जी मुनि प्रकट होते हैं और परीक्षित को कहते, परीक्षित मत घबरा, मैं हूं। कोई समर्थ महापुरुष का हाथ चाहिए आपके और हमारे ऊपर, जो हमें निश्चिंत कर सके कि बेटा मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं। और भरोसे के साथ कहूं, गारंटी के साथ कहूं कि मैं जहां से आया हूं श्री वृंदावन धाम आश्रम पाल, परम समर्थ सदगुरु हमारे बापू जी, ऐसे समर्थ महापुरुष जिनकी वाणी दर्शन मात्र से लाखों लाखों लोग व्यसन फैशन छोड़कर भक्ति के मार्ग में लग गए, जो जिन्होंने दर्शन किए हैं उनको पता है, लेकिन आप उनकी वाणी भी सुन लो। आपको हमारा कथा, कई लोग बोलते अच्छी कथा कर रहे महाराज, लेकिन जिन्होंने बापूजी का सत्संग सुना होगा, जिन्होंने बापूजी की वाणी सुनी होगी, उन्हें पता है कि बापूजी क्या चीज है। हमारी टूटी फूटी वाणी, बापूजी की तो अमृत वाणी, उनकी वाणी आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उनकी पढ़ाई लिखाई 4.5 4.5, लेकिन आप YouTube पर सुनना प्रवचन सत्संग, आप उनकी वाणी सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत पढ़े लिखे होंगे, लेकिन वो तपस्या वहीं पर की पाल में, वो कोई बद्रीनाथ नहीं गए, वो कोई मथुरा नहीं गए, वो कोई काशी नहीं गए, वहीं पर श्री वृंदावन धाम पाल आश्रम में, वहीं पर एक टेकड़ी थी, वहां पर गुफा बनाकर वही 14 साल तपस्या की, उम्र के मात्र 14 वर्ष के अवस्था में घर परिवार छोड़कर वहां एक टेकड़ी पर घास की कुटिया बनाकर वहीं तपस्या की, 4-4.5 साल तो मौन रहे, 18 साल के लगभग फलाहार 41 वर्ष रहे इस पृथ्वी पर, मात्र 41। लेकिन इतने कम समय में ही 8 राज्य के लोग उस स्थान से जुड़ गए, 8 राज्यों के लोग बापूजी को जानते हैं। कुछ समय नहीं रहोगा इस क्षेत्र में बापूजी आ नहीं पाए। आप लोगों ने कभी बापूजी का दर्शन कर लिया होता ना तो मैं क्या कहूंगा, अभी कुछ बातें, लेकिन कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। गुरु तत्व कहीं जाता नहीं, गुरु तत्व कहीं आता नहीं, वो तो सदैव रहता है। आप श्रद्धा लेकर यदि वृंदावन धाम पाल आश्रम में मंदिर का दर्शन करोगे, जहां बापूजी की समाधि बनी है उस समाधि का दर्शन करोगे, और श्रद्धा लेकर आप वहां बैठकर जो कामना करोगे, जो क्या बोले अभी, वो तो जिनको अनुभूति है, जिनको मिला है, तो अनुभव करना,